मेरे पीछे कंचनजंगा दिख रहा है और उधर माउंट एवरेस्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी टाइगर हिल आ चुके हैं और आते आते काफ़ी लेट हो गया, बट फिर भी सनराइज़ कैप्चर कर लिया मैंने, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और अभी मेरे पीछे कंचनजंगा दिख रहा है और उधर माउंट एवरेस्ट, तो जल्दी से बैक कैमरा स्विच करके आपको एक झलक दिखाता हूँ मैं कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट का। तो आपको सामने जो बड़ा सा हिमालय दिख रहा है वो और कोई नहीं, वो कंचनजंगा है। और वहाँ पे वो हरे हरे पहाड़ों के पीछे जो आपको सारा सारा जो एक चोटी दिख रहा है वो हमारा माउंट एवरेस्ट है। तो टाइगर हिल के सबसे ऊंचे स्पॉट पे हम हैं, यहाँ से कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट दोनों दिख रहा है। और एक बार आप नज़ारा देख लो यहाँ से। साहिबगंज को जाने के लिए और बाइक कम्प्लीटली लोड हो चुका है, निकलेंगे यहाँ से साहिबगंज। तो टाइगर हिल तो देख लिया आपने और अब फाइनली समय आ गया है दार्जिलिंग से विदा लेने का। और आज का रूट प्लान है यहाँ से घूम से कर्शियोंग, कर्शियोंग से सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से किशनगंज और किशनगंज से बारसोई। अब बारसोई में मैं अभय के यहाँ रहूँगा और फिर वहाँ से मैं सुबह वापस साहिबगंज के लिए निकलूँगा। तो लास्ट दार्जिलिंग की गलियाँ आप देख लो और ये ट्रैफिक रूल थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो अगर आप बाइक ला रहे हो तो सावधानी बरतो इस बात को लेकर के और थोड़ा पूछताछ करके आते जाते रहो। जैसे ये रास्ता ये वन वे है और ये पीस फ्लैग मैंने लिया है यहाँ से, काफ़ी दिनों से मेरा इच्छा था कि मैं खरीदूँ बट अपने तरफ तो ये मिलता नहीं है, तो दार्जिलिंग आया तो यहाँ पे मुझे मिल गया ये। और ये हम आ गए हैं हाईवे पे दार्जिलिंग स्टेशन, वहाँ तो हम जा नहीं पाए क्योंकि काफ़ी महंगा है और बाइक पार्किंग का बहुत दिक्कत है। अगर शूटिंग करने के लिए भी जाते हैं सिर्फ तो बाइक पार्क करने के लिए जगह ही नहीं है वहाँ पर। तो ये आखिरी कुछ क्षण हमारा दार्जिलिंग में, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी एडवेंचर वाला राइड था। और यहाँ पे खाना यार बहुत महंगा है, अब गेस करो एक पूरी छोटा सा पूरी जो घर में खाते हो आप कैसे कितने रुपए पीस दोगे आप, यहाँ पे 10 रुपया पीस है छोटा पूरी, समझ जाओ खाना का रेट इसी हिसाब से। और साथ में जो सब्जी देते हैं यार मत पूछो, सब्जी में सब्जी कम बस पानी ही ज़्यादा।
तो खाना का और पानी का थोड़ा दिक्कत है यहाँ, और पार्किंग का तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। तो ऑल मिला के मेरा रिव्यू दार्जिलिंग को लेके ये है कि हाँ, घूमने लायक जगह है, बहुत अच्छा जगह है। पहाड़ों पे बसा हुआ 6900 फीट की ऊंचाई पर बहुत ही मनोरम दृश्य से होकर गुजरता हुआ रास्ता आपको पहाड़ों की घाटी से होते हुए पहाड़ की चोटी पे ले जाएगा। तो इस घाटियों से उतर के अब हम जाएंगे प्लेन लैंड पे। वही गर्मी, वही पोल्यूशन, और यहाँ पे तो यार वैसे कुछ नहीं है, बहुत रिलैक्स फील होता है इधर आकर के। तो बात करें बाइक की, तो बाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। अगर यही है रॉयल एनफील्ड या फिर KTM की कोई गाड़ी रहती तो जितना समय मुझे लगा पहाड़ चढ़ने में उतना समय तो ये नहीं लगाती, बट फिर भी अपने बजट के हिसाब से ये बाइक बहुत सही है। और मात्र 500 रुपये का तेल में मैं अपने घर से दार्जिलिंग आ गया, और वापस भी मैं 500 रुपये के ही तेल में चला जाऊँगा। टोटल 1000 रुपये का तेल में अप एंड डाउन ट्रिप हो गया। और अगर मैं ऐसे आता तो टैक्सी रेट बहुत ही ज़्यादा हाई है, आपको टाइगर हिल जाने का और वापस आने का पर हेड 1000 रुपीज़ चार्ज है। तो समझ जाओ सिर्फ टाइगर हिल आने जाने का 1000 और मेरा यहाँ पे 800 किलोमीटर का 1000, तो हिसाब लगा लो आप कितना टाइट बजट में मैं हूँ। और बात करें खर्चे की, तो बहुत ही टाइट बजट में मैं था, और मैं अभय को इसलिए अपने साथ लाया क्योंकि अगर मैं अकेले आता तो बजट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता होटल चार्जेस, और अभी अभय मेरे साथ आया तो होटल चार्जेस मुझे 1200 पर हेड लगा, जो कि महंगा है। लेकिन अब ऐसी जगह पे आ करके और वैसा सीन वाला होटल तो ऑब्वियसली हाई चार्ज होगा ही। और अगर नेक्स्ट टाइम मैं कहीं जाता हूँ तो ऑनलाइन बुकिंग कर लूँगा पहले से ही, ताकि चार्जेस कम लगे। और यहाँ पे बंकर्स या फिर डॉर्मेट्री नहीं है तो समझ जाओ चार्जेस तो ज़्यादा रहेंगे ही। और अगर डॉर्मेट्री या फिर बंकर्स होते तो वही 300 पर नाइट चार्जेस लगता, तो वो सोलो राइडिंग के लिए अफोर्डेबल भी था। तो अभी हम है बतिस्ता लूप पे, वही जगह है जहाँ से स्टीम इंजन पूरा 360 डिग्री राउंड लेता है। और यहाँ पे ऊपर व्यू पॉइंट है, बट पार्किंग का दिक्कत, नहीं तो जाते ज़रूर। और बाइक भी लोडेड है तो सामान छोड़ के जाना सही नहीं है। तो इस वक्त अभी हम हैं घूम स्टेशन पे, और ये 7407 फीट की ऊंचाई पर है, और ये वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है और एशिया का फर्स्ट हाईएस्ट, और ये हेरिटेज साइट भी है। बादल फिर से रोड पे आ रहा है और ठंड वैसे ही बढ़ रही है। अभी तो मैंने फ़िलहाल 3-3 लेयरिंग डाल रखा है ऊपर और नीचे दोनों, बट मेरा हाथ पूरा खुला हुआ है, हाथों में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अभी हमें करशियोंग में, ये 4000 फुट की ऊंचाई पर है, और सामने देखो आपको करशियोंग शहर पूरा बसा हुआ दिखेगा। वो यहाँ पे पेट्रोल पंप कितने छोटे छोटे होते हैं।
शाम के 5:30 बज गए हैं और दार्जिलिंग से काफ़ी दूर आ गए हैं हम। और अभी मैं हूँ सुरजापुर टोल प्लाजा में और यहाँ से साहेबगंज और 250 किलोमीटर, और अंधेरा भी होने वाला है। तो अभी मैं अभय जो मेरे साथ एज ए पिलियन आया था इस राइड में, उसके घर बारशोई में रुकूंगा और फिर वहाँ से सुबह सुबह 5 बजे मैं वापस साहेबगंज में निकलूँगा। तो मिलते हैं आपको जब मैं सुबह 5 बजे उसके घर से निकलता हूँ। तो अभी हम हैं रतुआ से 15 किलोमीटर दूर, और ये जो नदी आप देख रहे हो अपने दाहिने साइड, मतलब मेरे दाहिने साइड, ये नदी वही नदी है जो सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग और मिरिक, वहाँ से ये नदी आती है और वहाँ से उधर के सिलीगुड़ी किशनगंज होते हुए ये मानिकचक जा करके गंगा में मिलती है नदी। तो सोच लो जितनी दूर से हम आ रहे हैं उतनी दूर से ये नदी भी आ रही है। और यहाँ पे पटुआ की खेती बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत रिच है ये एरिया, बहुत फर्टाइल है ये एरिया। दार्जिलिंग से वापस आते समय मैंने देखा, देखिए इससे जो पटुआ रोड किनारे टंगा हुआ है सूखने के लिए, इससे जूट बैग्स बनते हैं, पोचाड़ा के लिए जो ब्रश बनते हैं इसी से यही यूज़ होते हैं। और अनारस जो आप देखते हो, वो अनारस पीछे मैंने कहीं देखा ट्रक में लोड हो रहे थे, इतने सारे अनारस थे कि मैं बता नहीं सकता कितने थे वो। और सारा सप्लाई किया जाता है वहाँ पर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सारे के ट्रक्स लगे हुए थे वहाँ पर। हेलो एवरीवन, अभी मैं हूँ मानिकचक वेस्ट बंगाल में। तो मानिकचक पहुँच गया हूँ मैं अभी, और आज मेरा गुड लक है क्योंकि आज से ही मानिकचक घाट से राजमहल घाट के लिए फेरी सर्विस दोबारा चालू हो गई। जब मैं दार्जिलिंग के लिए घर से निकला था तो साहेबगंज या फिर राजमहल, दोनों में से कोई जगह पे रिवर क्रॉस करने के लिए फेरी सर्विस चालू नहीं थी, जिसके कारण मुझे 125 किलोमीटर कवर करके बंगाल घुसना पड़ा। बट आज मैंने पूछा रास्ते में तो एक बंदे ने मुझे बताया कि भैया फेरी सर्विस अभी चालू नहीं है। बट फिर भी मैंने रिक्स लेकर के बस ऐसे ही देखना चाहता था मैं घाट कैसा है यहाँ का, मानिकचक का। मैं आया और आते आते पता है मुझे क्या देखने को मिला, और देखो पीछे उधर बैक कैमरा स्विच करके मैं दिखाऊंगा, उधर मुझे फेरी दिखा। और लोकल से मैंने पूछा भी तो मुझे मालूम चला कि फेरी सर्विस आज से स्टार्ट हो। घाट पे आते ही ये देखो मुझे क्या दिखा, वहाँ पे वो जो बोट दिख रही है वो मेरे लिए तो खुशखबरी ही है, क्योंकि अगर वो बोट यहाँ घाट पे लगती है और वापस यहाँ से राजमहल के लिए खुलती है तो डिस्टेंस माइनस हो करके मेरा 30 किलोमीटर हो जाएगा साहेबगंज का। बहुत ही अच्छा दिन रहा आज, और अभी यहाँ से अगर मैं राजमहल जाता हूँ तो वहाँ से मात्र 30 किलोमीटर मेरा घर पड़ेगा और बहुत जल्दी ये डिस्टेंस कवर हो जाएगा। अभी तक मैंने 755 किलोमीटर कवर कर लिया है, तो 800 के आसपास घर पहुंचते पहुंचते हो जाएगा। तो मिलते हैं आपको अब राजमहल या फिर साहेबगंज पहुंचने के बाद। तो जंप कट के लिए माफी चाहता हूँ, घर आ गए हैं हम, और ये मेरा प्यारा सा ब्रूनो है। हाय कर दो ब्रूनो सबको, हाई कर दो। दार्जिलिंग ट्रिप का 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, तीसरा वीडियो भी आप लोग देख ही रहे हो। और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, और आने वाला काली पूजा और छठ पूजा का भी ढेर सारा शुभकामनाएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बहुत अच्छा लगता है आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार देते हो। और कमेंट करके बताएं मैंने क्या क्या गलतियाँ की है, क्या क्या मुझे सुधारना चाहिए अपने आने वाले वीडियो में, ताकि मैं और सीख सकूं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं।